हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिक ट्रैकर के इस नए वीडियो में। मैं जयन रंग आज आ गया हूँ आपकी मदद करने। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो दूसरा T20 मुकाबला खेला जाने वाला है उसकी 11 विकेट्स फैंटेसी टीम बनाने में, सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए 11 विकेट्स का ऐप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही में रियल टाइम फैंटेसी अपडेट्स के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं क्रिक ट्रैकर का टेलीग्राम पेज भी। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को मिली एक अच्छी जीत, तो अब पाकिस्तान की नजर होगी सीरीज को लेवल करने की ओर। चलिए हम टीम की शुरुआत कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर्स की। वही दो सेम विकेट कीपर्स के साथ मैं जा रहा हूं जिनको मैंने खिलाया था पहले T20 मुकाबले में। पहले है न्यूजीलैंड के ही ग्लेन फिलिप्स, बहुत बढ़िया फॉर्म में है, विंडीज के सामने एक बहुत बढ़िया शतक बनाया था। उसके बाद पाकिस्तान के सामने पहला T20 मुकाबला, वहां पे भी एक अच्छा नॉक खेला, रन इनके बल्ले से बहुत सारे निकल रहे हैं, आपके लिए बड़े सारे पॉइंट्स ला सकते हैं। दूसरे विकेट कीपर होंगे न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट, एक बहुत शानदार 50 रन की पारी उन्होंने खेली पाकिस्तान के सामने और अपनी टीम को सक्सेसफुल रन चेस करके दिखाया, टीम को जीत दिलाई। बढ़िया फॉर्म में इस समय वो आ गए हैं, बहुत तेज शुरुआत दे सकते हैं, मार्टिन गप्टिल के साथ कमाल के रन बना सकते हैं स्टार्टिंग में, मैं अपनी टीम का कैप्टन भी बना रहा हूं। चलिए बात करते हैं टीम के बल्लेबाजों की। पहले बल्लेबाज हैं पाकिस्तान की टीम से, मैं बात कर रहा हूं हैदर अली की। इस समय बहुत बढ़िया फॉर्म में वो है, पहले मैच में हालांकि उनके बल्ले से इतने रन नहीं निकले मगर एक लंबी पारी वो खेल सकते हैं। जिम्बाब्वे के सामने जो सीरीज थी उसमें उन्होंने ढेर सारे रन्स करके दिखाए थे, तो यहाँ पे इनके बल्ले से बड़े सारे रन्स आ सकते हैं वापस और आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स आना फिर गारंटीड हो जाएगा। टीम के दूसरे बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वो टीम में वापस आ रहे हैं। हमेशा जो है उनका फॉर्म तो बढ़िया रहता ही है, मैं उन्हें अपनी टीम का वाइस कैप्टन भी बना रहा हूँ। वर्ल्ड के टॉप 4-5 बल्लेबाजों में उनकी गिनती होती है, कोई भी फॉर्मेट वो खेले एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है, बड़े सारे रन आपके लिए कर सकते हैं। तीसरे बल्लेबाज है पाकिस्तान की टीम के खुशदिल शाह, 5 T20 मुकाबले खेले हैं अभी तक पाकिस्तान के लिए लेकिन बढ़िया प्रदर्शन वहां पे करके दिखाया है। 36 के करीबन का उनका एवरेज है, 130 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं तो बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। पहला जो मैच खेले थे उसमें स्टार्ट उनको एक अच्छा मिला था लेकिन एक लंबी पारी नहीं खेल पाए थे, इस बार उसे कन्वर्ट करना चाहेंगे और अपनी टीम के लिए बड़े सारे रन बनाना चाहेंगे। चलिए बात करते हैं अब हम इस टीम के ऑलराउंडर्स की। पहले ऑलराउंडर है पाकिस्तान से मोहम्मद हफीज, एक बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के। T20 इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 50 से ज्यादा विकेट्स निकाल चुके हैं। बॉलिंग जो है उनकी वो भी बहुत बढ़िया रहती है, इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में भी आपको ओवर निकाल के देते हैं और बैटिंग में इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होता है, रन रेट को ये कभी नीचे नहीं जाने देते, एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मैच में। दूसरे ऑलराउंडर होंगे न्यूजीलैंड के स्कॉट कगलायन, पहले T20 मुकाबले में कमाल का बॉलिंग प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया था, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए थे और 3 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले थे, टीम की जीत में उनका बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा था, उसी बॉलिंग फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे, साथ में एंड के ओवर्स में लंबे लंबे हिट्स लगा के आपको दे सकते हैं, इन्हें आप अपनी टीम में जरूर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं टीम के बॉलिंग अटैक की, तो 4 फास्ट बॉलर्स को मैंने खिलाया है यहाँ पे। पहले हैं पाकिस्तान के हारिस रौफ, बहुत बढ़िया एक फास्ट बॉलर, अभी अभी पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पहला जो मैच था वहां पे 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए और 3 विकेट्स निकाले, हालांकि टीम को जीत नहीं दिला पाए मगर इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना चाहेंगे और इस मैच में जीत दिला सकते हैं अपनी टीम को, बहुत सारे विकेट्स निकाल सकते हैं। दूसरे बॉलर भी पाकिस्तान से ही है, मैं बात कर रहा हूं उनके यंग सेंसेशन शाहीन अफरीदी की, 4 ओवर में 27 रन दिए थे सिर्फ और 2 बढ़िया विकेट्स निकाले थे, शुरुआती झटके देने के ये एक्सपर्ट है, स्टार्टिंग में पावर प्ले में बढ़िया विकेट्स निकालते हैं, इस मैच में भी वैसा ही परफॉर्म करना चाहेंगे और अपनी टीम को जीत दिलाना चाहेंगे इस बार। तीसरे बॉलर है न्यूजीलैंड के एक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर, मैं बात कर रहा हूं टिम साउदी की, 70 से ज्यादा T20 मुकाबले खेले हैं, 80 से ज्यादा विकेट्स निकाले हैं, ये कोई भी फॉर्मेट खेलते हैं वहां पे बल्लेबाजों को बहुत दिक्कत होती है, सेटल नहीं होने देते हैं, इनसे आप स्टार्टिंग में बॉलिंग कराएं या फिर डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएं, हर जगह इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है, यहां पे ये बड़े सारे विकेट्स निकाल सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स ला सकते हैं। और अंत में मेरी इस टीम को कंप्लीट करेंगे साउदी के ही विकेट टेकिंग पार्टनर ट्रेंट बोल्ट, एक बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी ये भी है न्यूजीलैंड के लिए, वैसे इतना ज्यादा T20 फॉर्मेट खेलते नहीं है मगर हाल ही में हमने देखा कैसा इंडियन T20 लीग में उनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, 25 से ज्यादा उन्होंने विकेट्स निकाले थे, तो यहां पे भी फिर से बड़े सारे विकेट्स निकाल सकते हैं, बहुत दिक्कत दे सकते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों को।
यहाँ पे 11 विकेट्स आपको एक बहुत बड़े ऑप्शन देता है टीम में 12th मैन चुनने का। मेरी इस टीम के 12th मैन होंगे पाकिस्तान के शादाब खान। कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स हैं, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत बड़े ऑप्शंस हो सकते हैं। टीम की तरफ अगर आप देखेंगे तो टॉप टू बॉटम सभी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं। पहले मैच में भी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, T20 स्पेशलिस्ट भी है कई सारे इसमें, तो ये जो टीम है आपको बड़े सारे पॉइंट्स और पैसे ज़रूर जिताएगी। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा 11 विकेट्स का ऐप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। दोनों ही एंड्रॉयड और iOS के लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ ही में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में मुझे अपनी फैंटेसी टीम बताएं, और अगर अभी तक आपने ट्रैकर को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। थैंक यू।